देवास प्रेस जगत ने अपने एक होनहार कर्मठ मेहनती पत्रकार साथी स्वर्गीय राजेश पवार को असमय खो दिया है। उन्हें आसानी से भुलाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अपने साथी को याद करते हुए प्रेस क्लब देवास द्वारा मंगलवार को शाम 5 बजे मल्हार स्मृति मंदिर सभा कक्ष में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मनोज राजानी, पुलिस विभाग से CSP विवेक सिंह चौहान, जनसंपर्क अधिकारी आनंद गुप्ता, अभिभाषक संघ से चंद्रपाल सिंह सोलंकी, शिक्षा जगत से मकसूद सर, खेल जगत से श्रीकांत उपाध्याय, संस्था सिद्धि विनायक भक्त मंडल से प्रदीप चौधरी, जैन समाज से विजय जैन, कवि जगत से जगदीश जैन सहित लोगों से अपने शब्दों से स्वर्गीय पवार को श्रद्धा सुमन अर्पित की। प्रेस क्लब द्वारा परिवार की सहायता हेतु सहयोग सम्मान राशि एकत्रित की गई। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय पवार के दोनों बड़े भाई, दोनों बच्चे, बेटा और बेटी सहित राजनेता, अधिकारी, समाजसेवी और देवास के मीडिया जगत के साथी गण उपस्थित रहे। उपरोक्त जानकारी क्लब सचिव चेतन राठौड़ द्वारा दी गई। जनसंपर्क संचालनालय द्वारा पत्रकार कल्याण कोष से 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। ये राशि स्वर्गीय पवार की धर्मपत्नी आरती पवार को सौंपी जाएगी। देवास कलेक्टर द्वारा 51,000 की सहायता, भाजपा संगठन द्वारा 21,000, गुप्तदान 21,000, प्रदीप चौधरी 11,000, आने वाले 4 वर्षों तक 11,000 प्रतिवर्ष पुण्यतिथि पर देंगे। गौरव जैन, नवीन सोलंकी 11,000, विकास जायसवाल 11,000, नगर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह चौहान 10,000, एडवोकेट ज्ञान कौर छाबड़ा 11,000, मनीष सोलंकी 5,000, रितेश त्रिपाठी 5,000, दीपेश कानूनगो 5,100, विजय जैन 5,000, धर्मेंद्र चौधरी राजौदा 5,000, संजय दायमा 5,000, आदित्य दुबे 5,000, शाहिद अली 5,000, गुप्तदान 5,000 सहित समाज सेवियों और मीडिया जगत के पत्रकार साथियों द्वारा सहयोग के रूप में राशि प्रदान की गई। प्रेस क्लब द्वारा राशि एकत्रित कर परिजनों को सौंपी जाएगी।